बेसिकली यू नो इनकी कटिंग लूँगा। ये नॉर्मली यूज़ होते हैं घरों के अंदर, छोटे पत्तों वाले, और इसके अलावा ये वाले भी होते हैं, ये बड़े पत्तों वाले। कटिंग ले लेते हैं। ये कितना काफ़ी बड़ा हो गया है, आप ये देखें, इसको यहीं पे जाने देते हैं। तो जी ये कटिंग सारी हमने कटी कर ली है, काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स हैं, तो कोशिश करें कटिंग जो आपने लेनी है मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके साथ इस तरह की बेसिकली रूट्स हो। ये है, आपने कभी कोस्टेक देखी होगी, कोस्टेक के साथ जो कोकोनट हस्क उस स्टेक पे लपेटी होती है, यही जो रूट्स जो ये होती हैं रूट्स हैं, ये उसके साथ जो है वो फंसती जाती हैं, और वो फॉर एग्जांपल ये एक कोस्टेक है तो ये इसके इर्द गिर्द जो है वो चढ़ती जाती है। कोशिश करें कि ये बेसिकली रूट्स वाली हो, ये जल्दी ग्रो होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई सादा कटिंग देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, इसके साथ जूम आउट हो गया था, हाँ, जिसके साथ बेसिकली रूट्स कोई नहीं है, राइट, तो ये इट विल टेक सम टाइम। सॉइल मीडियम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिंपल बालू मिट्टी है, उसको ले रहा हूँ। आई डोंट नो ये जूम आउट क्यों हो रहा है, एक मिनट, चलें स्टार्ट करते हैं। मिट्टी तो इसके अंदर है, लेकिन मैं जो पॉट ले रहा हूँ वो छोटे वाले ले रहा हूँ, ये कोई 8 इंच का है, ये 4 इंच वाला है, ये मैंने बाहर कैरिज के अंदर बेसिकली रखना है, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। इसके लिए मैं एक पेपर मैंने काट लिया था इसी के साइज़ का, ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। सीड्स अगर लगा रहा हूँ तो कोशिश करें कि सीड्स के लिए ड्रेनेज होल होना इज़ लाइक कंपलसरी, अगर आप कोई कटिंग वटिंग लगा रहे हैं और स्पेशली ये मनी प्लांट, क्योंकि इजी टू ग्रो है, तो इसके लिए ड्रेनेज होल ना भी हो तो ऐसा जितना को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको ओपन तो रखना नहीं है, शेडी एरिया में रखना है जहाँ बारिश का पानी आएगा नहीं और लिमिटेड पानी देना है, इस वजह से मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी भी लगा सकते हैं, मैं बेसिकली इस तरह कर रहा हूँ। मिट्टी भर लेते हैं इसके अंदर, प्रेस कर दिया, कटिंग हम लगाएंगे। ये रूट्स वाली हैं, इस तरह करके मैं सारी लगा लेता हूँ। सो फाइनली ये रेडी हो गई है, 5-6 कटिंग इसमें लगाई हैं और 5-6 कटिंग्स ही इसके अंदर लगाई हैं। इनको पानी दे देते हैं, इसको धूप में नहीं रखना, सितंबर का महीना है, अभी भी गर्मी है लाहौर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 20-25 दिन के अंदर, मैक्सिमम महीने के अंदर जो है वो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आ जाएगा। पानी दे देते हैं, पहली दफ़ा अच्छा पानी देंगे, अब तब पानी दूंगा जब मुझे ये फील होगा कि ये ड्राई हो गया है। उसके नीचे मैंने प्लास्टिक की बेसिकली रख लिया है, नीचे भी पानी दे सकते हैं लेकिन अभी ऊपर दिया। तो चलिए इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आता है आपके साथ शो करते हैं। सो फाइनली इसको यहाँ पे इस तरह के शेडी एरिया में रखती है, कोई पानी शानी नहीं आएगा छत के नीचे,